क्या दिक्कत है? ये रही पगली, इधर आओ। इसको हुआ क्या? पता नहीं क्या हुआ, इधर आओ। क्या हुआ सुनो? अभी हम लोग तो बस एक जरिया है कुछ नेक और कुछ नया करने का, और करने वाले कोई और लोग हैं जो शायद सामने आना पसंद भी नहीं करते। दोस्तों, जिस हिसाब से हमारे टीचर्स ने, हमारे बच्चों ने मेहनत करी कंटिन्यूसली, उनको पढ़ाना, उनके लिए शेड्यूल बनाना, उनके लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज करना, टेस्ट लेना, और कई बार प्री बोर्ड करा के उनका टेस्ट रिजल्ट अनाउंस करना, तो ये सब हमारे टीचर्स की मेहनत है जिसकी वजह से ये सारा रिजल्ट लेके आए हैं। इन पेरेंट्स की मेहनत है, बच्चों ने देखा है किस तरीके से उनके घर वाले मेहनत कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, तो उनको इन सब चीज़ों की वैल्यू है। इनके पेरेंट्स इन सब हमारी चीज़ों की वैल्यू को समझ रहे हैं, शायद इसी वजह से ये इतने अच्छे रिजल्ट लेके आ पा रहे हैं, इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं। हम लोग तो शायद ही हार्डली हम लोग कभी इन बच्चों को समय भी दे पाते हैं, लेकिन ये है कि हाँ, एक अटैचमेंट है, एक जुड़ाव है, एक साथ है, तो कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है। तो पाठशाला में आए हुए 3 या 3.5 साल हो गए। हमारे मम्मी पापा दोनों लोग मजदूरी करने जाते हैं। हम बड़े होकर टीचर बनना चाहते हैं। हम इनोवेटिव पाठशाला में टीचर बनना चाहते हैं और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। सुबह सेंटर आते थे पढ़ने के लिए, भैया पढ़ाते थे, जो प्रॉब्लम होती थी पूछ लेते थे, जो क्वेश्चन नहीं आता था उनसे पूछ लेते थे। 5 से 6 घंटे नहीं पढ़ते थे तो भैया चिल्लाने लगते थे। मेरे पापा कपड़े की दुकान में काम करते हैं। मेरे परसेंटेज 70.33% है। मुझे बड़े होकर आर्मी ज्वाइन करनी है। यहाँ पर आए हुए मुझे 2 से 3 साल हो गए हैं। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी जो है अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत अच्छे से भैया लोग पढ़ाते हैं, सभी भैया लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और उन्हीं की वजह से मैं इतनी मेहनत कर पाई। क्या दिक्कत है? ये काहे रही पगली, इधर आओ। इसको हुआ क्या? पता नहीं क्या हुआ, इधर आओ। क्या हुआ सुनो? अभी फॉर्म बोलो। सोचा नहीं था कि इतनी परसेंटेज आ जाएगी, इसीलिए रो रही। अबे ये लोग रोने कितनी जल्दी लगते हैं, थोड़ा सा स्ट्रांग बनो। रोते नहीं है बेटा, अभी इंटरव्यू भी लाना है। तुम लोग के पास ये है रिजल्ट का प्रिंट आउट? जब तक मोहल्ले में IFC वाले हैं तब तक कोई भी बच्चा यहाँ पर अशिक्षित नहीं रहेगा। जो नहीं भी पढ़ना चाह रहा है उसको मार मुर के पढ़ा ही देंगे। रिजल्ट आ चुका है, अभी सारे बच्चों का रिजल्ट देखा और बहुत खुशी की बात है कि जितने भी बच्चे हैं सभी ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। और जैसा कि इतने समय तक रुकना पड़ता है कि एक रिज़ल्ट के लिए, और रोज़ आना, पढ़ाई करना, एक ही सपने के लिए रोज़ मेहनत करना, और आज फाइनली वो दिन आया। और सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है मुझको कि मुझे मौका मिला उन बच्चों को पढ़ाने का, और इन बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत करी और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया। और हम लोग भी ऊपर वाले से प्रे करते हैं कि शायद इनकी जो भी हम लोगों से बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो आगे जो भी उम्मीदें हैं कि ये इंटर करना चाहते हैं, कुछ ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, कुछ टीचर्स बनना चाहते हैं, तो हम लोग भी ऊपर वाले से कामना करते हैं कि हम लोग भी इनकी उम्मीदों पर खड़े उतरे और इनके लिए हम लोग भी कुछ अच्छा कर पाए। सो थैंक यू सो मच। और अभी आगे आने वाले साल में भी हमारे और बच्चे हैं जो रजिस्टर्ड हैं हाई स्कूल के लिए, और बच्चे हैं जो इंटर के लिए रजिस्टर्ड हैं। तो हम लोग होप करते हैं कि आप लोग इन बच्चों को ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहेंगे और हमारे बच्चे ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे।